महाशिवरात्रि के अवसर पर आज झाबुआ से सटे दुधेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन किया गया, एक मेला आयोजित किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर भंडारा भी हुआ। यहाँ पर ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा की ओर से भंडारा आयोजित किया गया तथा मेले के तमाम इंतजाम किए गए। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास ब्रजेंद्र शर्मा ने अपने परिवार के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया और उसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व का यहाँ पर शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर बड़ी तादाद में ग्रामीण महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे और कतारबद्ध होकर एक एक कर दर्शन किए। यहाँ पर प्रसादी में खिचड़ी, हलवा और ठंडाई की व्यवस्था की गई थी। इस दुधेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बता दें कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से लेकर लगातार ये मंदिर ख्याति प्राप्त कर रहा है। यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने क्या कहा, भक्तों ने क्या कहा, सुनिए। ये भंडारे का आयोजन ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा मित्र मंडल द्वारा करवाया जा रहा है और लगभग हजारों की संख्या में और लगभग अनुमानित 17,000 से 18,000 की जनसंख्या में लोग यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और फलाहार की व्यवस्था की गई है, खिचड़ी की, मिष्ठान की, दूसरा शरबत ठंडाई की और समुचित व्यवस्था लोगों के बैठने की। पीछे आप मेरी तरफ देख रहे हो, पीछे भी जनता बैठी हुई है और बाबा के दर्शन का लाभ ले रही है। 94 में इसकी प्रतिष्ठा हुई, 93 में पहली बार हम यहाँ पे आए थे मनोहर के सौजन्य से, फोटोग्राफर क्या, और 94 में एक साल में सारी व्यवस्था भी हो गई और प्रतिष्ठा भी हो गई। जब से कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है और प्रसादी वितरण भी चल रहा है और फिर 10 साल बाद चुन्नू भाई का सहयोग आया तो उससे और भव्य रूप हो गया इसका आयोजन। बहुत अच्छा और बड़ा आयोजन होते जा रहा धीरे धीरे। दुधेश्वर बाबा से लोकल और पूरे जिले वासियों का प्रेम जो जन सैलाब के रूप में उमड़ रहा है वो वाकई जो दुधेश्वर महादेव बाबा की श्रद्धा को दिखाता है और प्रतिवर्ष 2 से 3 हज़ार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं इस आयोजन में। इस बार कितने श्रद्धालु आने की? पिछली बार 11-11.5 हज़ार लोग आए थे, इस बार 17 से 18 हज़ार लोगों का हमारा अनुमान है। उसके साथ पूरी व्यवस्था हम लोगों ने करी है।